सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। धोनी से हुई नोकझोंक पर मनीष पांडे का बड़ा बयान। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया भले ही 6 विकेट से हार गए हो, लेकिन इस मैच में रोमांच की कोई कमी नहीं रही और मैच के बीच में तो एक ऐसा वाक्य आ गया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। दरअसल यह तो आपको पता ही है कि महेंद्र सिंह धोनी ने मनीष पांडे को गुस्से में बुरा भला कह दिया था और यह सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर यही छाया रहा। लेकिन अब मनीष पांडे का इस पूरे घटनाक्रम पर बयान आया है। मनीष पांडे ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि धोनी भाई हम सब के सीनियर हैं, वह जो भी कहते हैं हम सब की भलाई के लिए कि कहते हैं और हमें पता है धोनी भाई गुस्सा नहीं हो सकते, यह खेल का एक हिस्सा है। और तलब हो कि दूसरे T20 मैच में महेंद्र सिंह धोनी 20वें ओवर के दौरान गुस्सा हो गए थे। दरअसल हुआ यूं था कि मनीष पांडे महेंद्र सिंह धोनी की तरफ नहीं देख रहे थे, ऐसे में धोनी ने उन्हें पहले ही कहा था कि रन लेने के लिए तैयार रहना, लेकिन मनीष पांडे कहीं और देख रहे थे, जिसको लेकर धोनी बेहद गुस्सा हो गए। हालांकि बाद में ताबड़तोड़ रन बनाते हुए टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया का स्कोर 180 रन पर पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनी थी। भारतीय टीम ने 189 रनों का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा था और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। तो देखना होगा तीसरे मैच में भारतीय टीम तीसरे T20 मैच में किस रणनीति के साथ उतरती है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।